दोस्तों आपको तो पता ही होगा हमारा इंडिया पूरा का पूरा ट्रेडिशंस और रिचुअल से भरा पड़ा है, तो इसी वजह से यहाँ पे बहुत सारी ट्रेडिशंस है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन इसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन होता है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आज हम इस वीडियो पे ऐसे ही कुछ विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि ऐसे हाथ जोड़कर नमस्कार क्यों किया जाता है, और हम अपने से जो उम्र में बड़े लोग होते हैं उनको हमें पैर छूकर प्रणाम क्यों करना पड़ता है, या फिर महिलाएं जो टोरिंग पहनते हैं उनके पीछे वजह क्या है, या फिर ऐसे मेहंदी क्यों लगाया जाता है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। नंबर वन, मेहंदी लगाना। तो ये मेहंदी लगाने के पीछे जो वजह है वो बहुत सिंपल है। जैसे कि सबसे पहली चीज, मेहंदी में बहुत सारे मेडिसिनल क्वालिटीज होते हैं और इसी वजह से ये लगाने का बहुत सारे फायदे भी होते हैं। और दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि ये शादियों में लगाए जाते हैं। और वहाँ पे क्यों लगाया जाता है? क्योंकि शादी वाले दिन दूल्हा और दुल्हन पर बहुत स्ट्रेस होता है और इसी वजह से बहुत सारे लोगों का सिर दुखने लगता है, और इसी वजह से ही उन्हें मेहंदी पहनाया जाता है ताकि कुछ टाइम वो लोग शांति से चुपचाप बैठ सके। सो द फाइनल पॉइंट इज, ये लगाने के पीछे कारण यह है कि उन लोगों को थोड़ा स्ट्रेस से रिलीफ मिले। नाउ नेक्स्ट, नंबर टू, तुलसी के पेड़ को हम पूजा क्यों करते हैं? सो द आंसर इज वेरी सिंपल। तुलसी एक एंटीबायोटिक है विच इंक्रीज इम्यूनिटी इफ टेकन एवरी डे। और ऐसा माना जाता है कि कोई बंदा अगर इसे हर दिन कंज्यूम करता है तो फिर वो एक हेल्दी लाइफ जी सकता है और उसका हेल्थ भी स्टेबल रहेगा। और इसके पीछे एक दो और भी वजह हैं, जैसे कि तुलसी के पेड़ के नीचे कभी भी सांप नहीं आता, और जहाँ पे तुलसी के पेड़ होते हैं वहाँ पे मच्छर नहीं होते ज़्यादा, और इसी वजह से ही पहले के ज़माने में तुलसी के पेड़ हर घर के बाजू में लगाते थे। बस इतना ही इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न है। सो नाउ नेक्स्ट, भारतीय महिला बैंगल्स क्यों पहनते हैं? तो इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है, बिकॉज बैंगल्स कलाइयों में पहना जाता है और एक ह्यूमन बॉडी के सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक पार्ट होता है ये कलाइयाँ, एंड इट जेनरेट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। और काम करने के टाइम पे बैंगल्स कई बार हाथ को टच होता है और उसकी वजह से एक फ्रिक्शन पैदा होता है जो कि बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को बहुत इंक्रीज करता है। सो ये पहनने का मेनली दो फायदा होता है, बैंगल्स पहनने के बाद ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज़ी से होता है और ये बार बार हाथ से टकराने की वजह से जो फ्रिक्शन पैदा होता है उससे एनर्जी पैदा होता है जो उनके बॉडी के अंदर रहता है बिकॉज ऑफ द राउंड शेप ऑफ बैंगल्स। सो बस ये सारे फायदे होते हैं बैंगल्स पहनने का। अगर हम इंडिया में अपने पेरेंट्स के साथ रहते होंगे तो फिर आप तो ये बात एक बार कभी ना कभी सुने ही होंगे कि सूरज डूबने के बाद कभी भी नाखून और बाल मत कटवाना, और ये ट्रेडिशन कहीं सालों से चलता आ रहा है और इसका कोई अंत नहीं दिख रहा। तो ये जो शुरू किया गया था उसके पीछे जो रीजन था वो बहुत सिंपल था। सो ये जब शुरू हुआ था आज से कहीं 100,000 साल पहले, तो उस टाइम के हिसाब से ये चीज़ें परफेक्ट था, ये उस टाइम पे फॉलो किया जाता था क्योंकि उस टाइम पे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था और इतने सारे लाइट्स भी नहीं था, तो आप अंधेरे में कैसे बाल या नाखून काटोगे आपको? तो पहले के ज़माने में इसी वजह से ये नहीं किया जाता था। लेकिन आज के टाइम में तो ये सारी बातें अप्लाई नहीं होती है क्योंकि आज के टाइम में तो हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, आपको सब कुछ दिख रहा है, तो आप सब कुछ कर सकते हो और हो भी रहा है। तो बस यही एक कारण था जिस वजह से ये पहले के टाइम पे बहुत माना जाता था, लेकिन आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें अप्लाई नहीं होती है। और नेक्स्ट टॉपिक इसी के थोड़ा बहुत रिलेटेड ही है, जैसे कि ट्यूसडे को बाल मत कटवाना, यानी कि मंगलवार को बाल नहीं कटवाना है। सो ये भी शुरू हुआ था आज से कहीं 100,000 साल पहले, जब इंडिया में भारी मात्रा में किसान हुआ करते थे। तो उस टाइम भी क्या होता कि पूरे हफ्ते उन लोगों को काम करना पड़ता था, बहुत मेहनत करना पड़ता था। तो पूरे हफ्ते काम करने के बाद सोमवार को उन लोगों का छुट्टी का दिन होता था और उसी दिन वो लोग अपने घर में रहते थे और कुछ लोग अपने घर की सफाई कर लेते थे और कुछ लोग अपने बाल वगैरह कटवा लेते थे। तो क्योंकि सोमवार को सबसे ज़्यादा लोग अपने बाल वाल कटवा लेते थे तो फिर सो इसी वजह से मंगलवार को नाई के पास ज़्यादा कुछ लोग जाते नहीं थे और इसी वजह से ही वो अपने दुकान को मंगलवार बंद रखते थे। बस फर्क इतना है कि ये प्रथा आज तक जारी है, लेकिन इसके पीछे के जो कारण है वो पूरी तरह से भुला दिया गया है और इसके बारे में कहीं पे भी बात नहीं होती। सो डोंट वरी, ऐसे ही और भी मैं बहुत सारी सुपरस्टिशन के बारे में बातें करूंगा और उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट चाहिए होगा। सो इसी वजह से प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, हर किसी को जिनको भी आप ये सारी सुपरस्टिशन के बारे में बताना चाहते हो। तो बस प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नाउ नेक्स्ट, किसी मरे हुए व्यक्ति के आँखें खुला मत छोड़ना। और ये भारत में एक बहुत ही आम अंधविश्वास है और इसके पीछे का कारण क्या क्या माना जाता है इंडिया में वो मैं बता नहीं रहा क्योंकि वो तो आप सब लोगों को पता ही होगा कि क्या क्या बताया जाता है इसका कारण। मैं बस आपको ये बताऊंगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे का असली वजह यह है कि मृत व्यक्ति को ऐसे दिखाना कि वह चैन से सो रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, और आज के टाइम में लोगों को इस बारे में पता ही नहीं है और लोग वही मानते चले जाते हैं बिना किसी क्वेश्चनिंग के। मतलब सोचो तो सही, मतलब एक बार सोचो तो सही कि हम ये कर क्यों रहे हैं।
सब वही गधों के रेस में लगे हुए हैं। सॉरी यार, आई एम सो सॉरी अगर किसी को ये बुरा लगा हो तो। मतलब वो सारी बातें मानी जाती है, वो सच नहीं है, सच तो मैं बता रहा हूँ, मतलब लॉजिक तो मैं बता रहा हूँ, तो उसके पीछे का लॉजिक यही है। सो नाउ नेक्स्ट, आपका बाल अगर आपके घर के अंदर गिरता है तो फिर आपके घर में किसी ना किसी के साथ लड़ाई होगी। तो इसके पीछे का कारण भी इंडिया में अलग अलग जगह में अलग अलग बातें मानी जाती है। बट द रियल रीजन बिहाइंड दिस सुपरस्टिशियन इज, अगर आपका ऐसे खुला हुआ बाल कहीं पर भी घर पर गिर जाता है तो फिर वो हवा की वजह से आपके खाने में भी गिर सकता है, और इसी वजह से हो सकता है आपके घर में लड़ाई हो। और अपने घर में लड़ाई कौन देखना चाहेगा बताओ, कोई नहीं देखना चाहेगा। तो इसी वजह से ये माना जाता है। तो बस यही लॉजिक था इसके पीछे का, लेकिन नहीं, हम तो अपने हिसाब से कुछ भी थोक देंगे। तो बस इस सब को सुधराओ। अब नेक्स्ट, हम अपने बुजुर्गों के पैर क्यों छूते हैं? सो द रीजन इज, ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में एक छोर से दूसरे छोर तक प्रभावित होते हैं। ये दो दिमागों और दिलों के बीच जुड़ा हुआ है। ये वह ऊर्जा होता है जो हाथ मिलाने और गले लगने के माध्यम से स्थानांतरित होता है। इसके अलावा ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे उंगलियों पर एकत्रित होता है, और इसलिए जब हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं तो ये पैर छूने वाले को स्थानांतरित कर दिया जाता है, और इस प्रकार हाथों के उंगलियों से ऊर्जा आते हैं और पैर के उंगलियों ऊर्जा देते हैं। सो इसी वजह से ही हम अपने बुजुर्गों के पैर छूते हैं। नाउ नेक्स्ट, वेयरिंग टोरिंग, विवाहित भारतीय महिलाएं अपने पैर के उंगलियों में चांदी के अंगूठी पहनते हैं, और ये पहनने का कारण यह है कि दूसरे पैर के उंगलियों से एक तंत्रिका गर्भाशय के माध्यम से दिल तक जुड़े होते हैं, और ये अंगूठी पहनने से गर्भाशय मजबूत होता है, और ये ब्लड सर्कुलेशन को भी नियंत्रित करता है, और ये साथ ही साथ एक्यूप्रेशर का भी काम करता है, और ये साथ ही साथ महिलाओं के शरीर के मासिक चक्र को भी प्रभावी ढंग से प्रभावित करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा इसके पीछे का रीजन। नाउ नेक्स्ट, नमस्कार या नमस्ते करना। नमस्कार या नमस्ते लोगों को अभिवादन करने का एक भारतीय शैली है। ये एक ऐसा तरीका है जिससे हिंदुओं दूसरों को सम्मान देते हैं। दो हथेलियों को आपस में जोड़ते समय लोग सभी उंगलियों को आपस में जोड़ते हैं, जो आगे चलकर कान, आंख और दिमाग के बिंदुओं पर दबाव बनाते हैं। कहा जाता है कि इसे एक साथ दबाने पे प्रेशर पॉइंट्स ऑन हो जाते हैं, जिससे कि हमें उस व्यक्ति को लंबे समय तक याद रखने में मदद होता है, और यह भी सुनिश्चित करता है कि लोगों के साथ हाथ मिलाने पर कीटाणु ना हो, और ये बात तो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है, और इसीलिए नमस्ते अभी बहुत प्रचलित हो गया है, और आपको तो ये पता ही होगा बिकॉज ऑफ कोविड। तो बस इस वीडियो में इतना ही था गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मैं आगे भी ऐसा ही सुपरस्टिशियस के और भी बहुत सारे वीडियोस लाता रहूँगा। तो वो सब वीडियोस की सबसे पहले अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवारों का ख्याल रखिए। गुड बाय एंड जय हिंद।